Yo, what's up guys? Hi, my name is Sahil and you guys are watching Professional Magnet. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिकंदर कालों के बारे में. सिकंदर कालों का 2023 सॉन्ग, एक ऐसा गाना जो कि उनकी फ्लो सीरीज में से है. एंड व्हाट इज फ्लो सीरीज, और उससे पहले हु इज सिकंदर कालो. इफ यू डोंट नो, ही इज एन ओजी हुज बीन इन द गेम फॉर मोर देन 16-17 ईयर्स. तुम्हारे फेवरेट रैपर की उतनी हिट्स नहीं है जिससे ज्यादा तो इस बंदे के मिक्स टेप्स हैं भाई. सो आई डोंट हैव टू से मच अबाउट सिकंदर कालो, एवरीबडी नोज हिम. सो हम सीधा गाने में चलते हैं. फ्लो सीरीज सिकंदर कालो की सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा अवेटेड सीरीज है, जहां पे लोग सारा साल वेट करते हैं कि फ्लो सीरीज का गाना कब आएगा. सो सिकंदर कालो 2015 से, आई सपोज, क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था, मेरे को 2014 फ्लो मिला ही नहीं. ठीक है, हो सकता है शायद कहीं साउंड क्लाउड वगैरह पे पढ़ा हो, बट 2014 का फ्लो मेरे को मिला नहीं. सो आई सपोज कि 2015 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी. 2015 से फ्लो सीरीज उन्होंने स्टार्ट करी थी, जिसमें वो न्यू ईयर पे एक गाना डालते थे जिसका टाइटल होता था उस साल का फ्लो, जो कमिंग ईयर है, 2015 का फ्लो, 2016 का फ्लो. सो सब तब से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 फ्लो सीरीज तक गाने आए हैं, और आज हम 23 फ्लो सीरीज के बारे में बात करेंगे. और फ्लो सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इस पूरी सीरीज में एक ऐसा सैंपल है, और फ्लो सीरीज में उसी एक सैंपल को हर साल रीसैंपल किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है, उसके ऊपर दोबारा से प्रोडक्शन करी जाती है. तो वो भी बहुत क्रेजी चीज है, और हर साल सिकंदर के फैंस को फ्लो सीरीज का तो वेट रहता ही रहता है, और साथ में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इस बार उस सैंपल को वो कैसे फ्लिप करेंगे. मैं इस गाने को तुम्हें हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम पंजाबी लोगों को तो पंजाबी समझ आती है, एंड वी ऑलवेज से सिकंदर कालो इज ग्रेट. तो अब तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा व्हाई ही इज ग्रेट. सो सीधा वीडियो में चलते हैं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू. लेट्स गेट टू द वीडियो. सो गाना स्टार्ट होता है बाय सिकंदर्स वॉइस सेइंग, आ गया एंडी, एंड हु इज एंडी, एंडी इज एंडी गरेवाल. सो एंडी गरेवाल इज द प्रोड्यूसर जिन्होंने पिछले काफी फ्लो सीरीज को लगातार कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस किया है. कि बनना किंग मैं हो गया सियाना, बोली है शुद्ध पर पाया नहीं बाना. मैंने हेडफोन्स पहन लिए फोकस के लिए. सो ही सेज कि मुझे किंग बनने की क्या ही जरूरत है, मैं समझदार बन चुका हूँ. एंड देन ही सेज मेरी बोली शुद्ध है पर मैंने कोई बाना नहीं पहना है. बाना होता है एक ड्रेस होती है, स्पेशली तुमने प्रीस्ट जो होते हैं उनको एक अच्छी लंबी बड़ी ड्रेस पहनते हुए देखा होगा. सो दैट्स व्हाट ही सेज कि मैंने बाना नहीं पाया और फिर भी मेरी बोली है जो वो एकदम शुद्ध है. एंड की बनना किंग इज अ लाइन जो कि आप पहले वाली फ्लो सीरीज अगर सिकंदर की सुनोगे, जो स्टार्टिंग वाले फ्लो सीरीज के गाने थे, उसमें ही सेज कि मुझे किंग बनना है. एंड फिर बीच में ही स्टार्टेड सेइंग कि अब मैं किंग नहीं रहा हूं, अब मैं कुछ और हो गया हूं. तो ये किंग वाली जो रेफरेंस है ये स्टार्टिंग के फ्लो सीरीज से चलती आ रही है. सुन तू तराना फ्लो शाना, सड़ गई शरीक मेनू लगदा मैं राणा. सुन तू तराना मतलब ये मेलोडी को सुन, फ्लो है शाना, मेरा फ्लो एकदम शार्प है, क्लेवर है या सबसे बेटर है. साढ़ के शरीक मींस मेरे जो भी रिश्तेदार हैं या जो मेरे एनिमीज हैं या जो भी लोग मेरे से जेलस करते हैं, वो अभी उनको जेलसी में वो मर चुके हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं राणा हूँ. राणा वेरी 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 सिंपल मीनिंग इज किंग. बंदे दी जबान से उम्र कितने साल हुए चले मेरी ही हुकूमत. सिंपल लाइंस की जो भी इंसान है उसकी ज़ुबान बताते हैं कि उसकी उम्र कितनी है और कितने साल हो गए अभी मेरी ही हुकूमत चल रही है. ये लाइन बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे. एंड सिकंदर इज़ माय फेवरेट रैपर बिकॉज वो बीच बीच में कुछ ऐसी लाइनें बोल जाते हैं जिनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है. फॉर एन एग्जाम्पल दिस लाइन कि एक इंसान है उसकी जुबान उसकी उम्र बताती है, तो मतलब उसकी एज से उसकी उम्र का पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ इंसान होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा लेकिन बातें स्टूपिड करते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जिनकी एज कम होती है पर उनमें समझदारी होती है. ब्यूटीफुल लाइन. एक उम्र तो बाद गुस्सा ना आए, दिल टूटता है भूखा सो जाए. अनदर ब्यूटीफुल लाइन कि एक उम्र के बाद गुस्सा नहीं आता है, अगर दिल टूट भी जाता है ना तो मैं भूखा सो जाता हूँ. वाओ. तो फिकर डराए इतिहास रुलाई, खुशकिस्मत खुदा पास बुलाए. तो ही सेज कि जो फ्यूचर है उससे मुझे डर लगता है, जो पास्ट है वो रुलाता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ अगर मुझे खुदा अपने पास बुलाता है. ख्वाब लुकाए पर ज्यादा देर छिपे नहीं, खोते सी असी पर चल लगे सिक्के नहीं. ख्वाब मैंने छिपाए पर वो ज्यादा देर नहीं छिपे. आई गेस ही मीन
कि वो पूरे हो गए जो भी मैंने ख्वाब देखे थे. तो आई थिंक सो, ये मतलब हो सकता है, आई कुड बी रॉन्ग भाई, ठीक है. सो एंड देन ही सेज कि हम खोटे थे पर चल गए सिक्के नहीं. तो जैसे बोलते नहीं है खोटा सिक्का चल जाना, या ये टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि लाइफ में कभी कुछ करेगा पर वो अचानक से कुछ बड़ी चीज़ कर देता है. सो दैट्स व्हाट ही सेज कि उन्हें लगता था कि वो खोटे हैं पर वो चल गए जैसे खोटा सिक्का चलता है. जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि गॉड है ही नहीं, बट जो नेत्रहीन होते हैं मतलब जो ब्लाइंड होते हैं ना, उनको सबूत भी नहीं दिखते हैं, ठीक है. उनको प्रूफ्स भी दिखा दोगे ना, वो तब भी तुम्हारे सामने आके बोलेंगे ना ये चीज़ नहीं है. एंड दैट्स अ गुड लाइन. और ये जो लाइन है इससे मेरे को लगता है कि गॉड पे बिलीव करना उन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया है. आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि मैंने पहले जब सिकंदर का म्यूजिक सुना है उस म्यूजिक में मुझे कुछ रेफरेंसेस, और पहले की बात कर रहा हूँ 3-4 साल पहले की, तो मेरे को कुछ रेफरेंसेस ऐसी मिली जिससे ऐसा लगता था कि ही वॉज एन एथियस्ट एंड आई फील कि He started believing in God again, something like that. क्योंकि इसी गाने में आगे एक और लाइन आती है जो इस मेरे डाउट को एक प्रॉपर आंसर देती है कि हाँ ऐसा ही है. तो मैं करा वो फाई है दुनिया जेड़ी है दिल्ली तक गई, कारे जब मैंने कोई फोटो लगाई बस लिखी है लिपि जो समझ नहीं आई. सिंपल लाइंस की मैं क्यों लॉयल्टी दूं किसी को जब ये पूरी दुनिया खुद दगा देती है सबको. घर में मैंने कोई फोटो नहीं लगाई, विच मीन्स आई थिंक सो विच मीन्स कि मैं किसी मूर्ति, किसी फोटो, भगवान के रेफरेंस में बात करी जा रही है कि मैंने कोई घर में फोटो वोटो नहीं लगाई, बस मैंने लिपि लिखी है जो लोगों को समझ नहीं आई. लिपि का मतलब होता है, इट्स अ वेरी बहुत शुद्ध पंजाबी का वर्ड है. लिपि मतलब लैंग्वेज. तो मैंने बस वही हमारी शुद्ध पंजाबी लैंग्वेज लिखी है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई. कलम से यही काले बुजुर्ग दी समझे ना बालक परी किताबा पर कोरे ने कागज मेरे यहाँ सुनी पहली मुताबक. कलम खत्म हो गए हैं, पेन खत्म हो गए हैं, लेकिन स्याही जो मेरी इंक है जो मैंने लिख दी है चीजें वो आज भी राजक हैं. और जो बच्चा होता है वो एकदम ग्रैंडफादर जो उसको समझाने की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, वो बच्चों को नहीं समझ आती है. और ये लाइन पिछली लाइन से रेफर होती है कि मैंने लिपि लिखी पर लोगों को समझ नहीं. सो बेसिकली ही सेइंग मैंने बहुत मैच्योर शिट लिखी है जो अभी तक लोगों को समझ नहीं. एंड आई बिलीव दैट दैट्स ट्रू. इन लोगों ने बुक्स भरी हुई हैं अपनी पर इनके कागज जो कोरे हैं, विच कुड मीन कि इन्होंने लिखा तो बहुत है. दूसरे लोगों की बात हो रही है, दूसरे रैपर्स की, दूसरे राइटर्स की बात हो रही है. इन्होंने लिखा तो बहुत है, इन्होंने किताबें तो बहुत भरी हैं, लेकिन वो सारी ब्लैंक है. मतलब उनमें सब बकचोदी है और कुछ नहीं है, रियल चीज है ही नहीं उसमें. सो बहरा इंसान पहेली मुताबिक मीन्स जो एक बहरा इंसान होता है वो वैसी नहीं सुन सकता, और अगर तुम उसको ऊपर से पहेली बता दो उसके लिए कितना टफ होगा. आई गेस ही सेइंग कि मेरी आर्ट इन लोगों के लिए इतनी टफ है कि ये लोग समझ नहीं पाते उस चीज को. कदे लाइन में लाइन गॉडली मुंडा नॉट साइड द डिवाइन वेव राइड कर पर टाइड ना गवाई कैसे और नू बोना फाइट अजवाई. मैंने कभी लाइन नहीं लगाई है. एंड बाय लाइन यू नो कौन से ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि मैंने कभी वो ड्रग नहीं किया है. एंड देन गॉड लिया मुंडा नॉर्थ साइड का डिवाइन. सो बेसिकली डिवाइन मतलब गॉडली, डिवाइन का मतलब ही होता है गॉडली. एंड देन ही सेज कि मैं नॉर्थ साइड का डिवाइन हूँ. एंड इन दिस लाइन ही इज एक्चुअली गिविंग अ शाउट आउट टू डिवाइन. वेव राइड कर पर टाइड मत गंवाना. बेसिकली जो वेव आ रही है, ठीक है, वेव मतलब म्यूजिक की वेव्स, जो ये जो नई नई वेव्स आती हैं अभी चल रही है बहुत ईमो वेव, तो सभी ईमो कर रहे हैं, मैं खुद ईमो कर रहा हूँ. तो ही सेज कि वेव राइड करना जो आ रही है पर टाइड मत गंवाना, मतलब अपने रूट्स पे रहना, रूट्स मत गंवाना. एंड वो लड़की को बोलते हैं कि अपने डैड को बोल जाके कि उनका जो जवाई है वो बोनाफाइड है. मनाना तेरी लकीर एक और एल्बम शेती कंप्लीट रखी जनानी मैं डब विच कितने सुन ली ना लेडी संगीत. सो बेसिकली ही सेज कि मैं किसी के भी रूल्स नहीं मानता हूँ, जो तूने लाइन खींची है वो तेरी लाइन है, वो तेरे रूल्स हैं, तेरी बाउंड्रीज हैं, मेरी एल्बम एक और बहुत जल्दी आने वाली है. तो ही सेज कि मैंने डब विच जनानी रखी है कितने सुन लेना लेडी संगीत. सो ये बहुत ही फनी लाइन है, बट एट द सेम टाइम व्हाट ही मीन इज कि मेरे पास गन है तो कहीं वो गन को रेफर कर रहे हैं फीमेल के साथ, तो कहीं लेडी संगीत ना सुन लेना. एंड देन यहाँ पे फिर से बीट चेंज हो जाती है. ट्रैप लास्ट टाइम मैं कीता चेक मेसी सड़कां दा राजा आपे करा कांड कदे वरता ना प्यादा. सिंपल लाइंस की मैंने लास्ट टाइम चेक किया मैं था स्ट्रीट्स का राजा एंड मैं खुद ही कांड करूं, मैं कभी प्यादा नहीं यूज करता हूं, ठीक है. मैंने प्यादे नहीं रखे हुए, जो भी कांड करना होता है मैं खुद ही करता हूं. देखना मनाफा प्रावा वंड पेजू कर जे वाइकिंग दी गल मेरा मन रेगनर. ही सेज कि जो प्रॉफिट है उस पे इतना ध्यान मत दे कि घर के अंदर ही फूट पड़ जाए. सो अगर तू प्रॉफिट के ऊपर फोकस रहेगा तो एक ना एक दिन वो चीज स्प्लिट हो ही जाएगी. और जैसा कि ये लाइफ है भाई, ऐसा होता भी है. जो नॉर्थ हिस्ट्री है उसमें वाइकिंग्स
का जो वॉर लॉर्ड था उसका नाम था रैगनर लॉथब्रॉक. सो इट मेक्स द मीनिंग क्लियर, राइट? कि अगर वाइकिंग्स की बात है तो मेरा जो मन है वो रैगनर है. अब तुम्हें इस लाइन के बारे में और डेप्थ से जानना है तो तुम्हें पूरा कैरेक्टर स्टडी करना पड़ेगा रैगनर का. मेरा डबल एक्सेल तेरा तन रेगुलर देखे ना जातर मेरी गन सेकुलर. भाई क्या बार है. मेरा जो धन है, मेरा जो मनी है वो डबल एक्सेल है और तेरी जो मनी है वो रेगुलर है. और कोई जात पात नहीं देखते हैं, मेरी जो गन है वो सेक्युलर है. डैम मैन. की तू चाउंदी की तू खाउंदी प्यार दा रस तू नहीं पी पाउंदी कोको दे तू गेड़े लाउंदी शर्म तेनू नहीं आउंदी. सो यहां पे वो बात करते हैं एक लड़की के बारे में कि क्या तू चाहती है, क्या तू पाना चाहती है और जो प्यार है, जो प्यार का रस तू नहीं पी पाउंदी, मींस जो प्यार है तू उसे संभाल नहीं पाती है. ठीक है, जो प्यार तुझे मिलता है तू उसे संभाल नहीं पाती है. और कोको दे तू गेड़े लाउंदी मींस कोको मीन्स कोकेन, नशा, ड्रग्स, कि तू उसके गेड़े यानी लाइंस तू कोको की लगाती है एंड देन तुझे शर्म नहीं आती. एंड आई एम नॉट श्योर कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, बट ये एक मीनिंग है लाइन का जो मैंने तुम्हें बता दिया. वेरी कट बोलन मुते कुत्ते चुमन मेरे जूते हश पपी लखपति तसम मैंने किन्ने रूठे. सो जो एनिमीज हैं वो फेस पे बहुत कम बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं. एंड जो कुत्ते हैं वो मेरे जूते उनको किस करते हैं. एंड देन ही सेज लखपति एंड देन जो मेरे शूज के तश्मे हैं वो रूट गए हैं. अब मुझे समझ नहीं आता कि इस लाइन का मतलब क्या है भाई. लाइक सीरियसली आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, इस लाइन का मुझे कोई मतलब नहीं समझ आया कि ये क्या रेफरेंस है, क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब है, या फिर ये एकदम कैजुअल लाइन होगी जस्ट टू कंटिन्यू द राइम स्कीम. तेरी आज सताई कितने साल मैं तेरे लिए आप गवाए है उठना बैठना दर्दी नाल तेरे लिए सूट मैं आप सवाई. तेरी याद सताए सिंपल लाइन और तेरे पीछे मैंने काफ़ी साल खराब किए हैं सिंपल लाइन. एंड देन ही सेज कि मेरा उठना बैठना एक दर्जी के साथ है और तेरे लिए सूट मैंने खुद सिलवाए. कलो दो पले पेंदी मेरे जद भी मेरा बाप सुनाए उन्हें कहा सुन नानक दीता ही ता सारे लाभ बुलाए. वो बात मुझे बहुत आसानी से समझ आ जाती है जो भी मेरे डैडी या भी मेरे डैड मुझे समझाते हैं. सो फादर ने कहा कि नानक की सुन, एंड बाय नानक मीन्स गुरु नानक जी की सुन, और तभी तो मैंने सारे लाभ भुला दिए. लाभ मतलब जो भी मेरे को ग्रीड थी, जो भी मेरे को मटेरियलिस्टिक चीज़ों का एक 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 अंदर से वो लालच था वो सारे मैंने भुला दिए. जर्मन ने गड्डी रखा रूस की एक नड्डी तक्का हिपोक्रेसी वाली गल नहीं वो माया एक दिन छड़ दूं पक्का. सिंपल की जर्मन की गाड़ी रखता हूँ और जर्मन गाड़ी का रेफरेंस सिकंदर ने बहुत सारे गानों में दिया है. अगर तुम सिकंदर के फैंस हो तुम्हें पता होगा. ठीक है, एंड देन रूस की नड्डी तक्का की ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ रशियन गर्ल. और he could be referring to AK-47 or like actual girl. ठीक है, तुम जितना depth में सोचना चाहते हो सोच लो. And then he says hypocrisy वाली कोई बात नहीं है, एक दिन मैं ये मोहमाया पक्का छोड़ दूंगा. क्योंकि सभी बोलते हैं ना कि हाँ मोहमाया तो एक दिन छोड़ देनी है. He says कि hypocrisy वाली बात नहीं है, मैं actual में वो मोहमाया छोड़ दूंगा. मेरी बंदी नु किनी टेंशन पर नोटा दी नहीं खड़े आ ओरे मैं वोटा ली नहीं गोरखा रे जे मैं नोपाली जी. मेरी बंदी को बहुत टेंशन है लेकिन कभी भी पैसों की टेंशन नहीं आती उसको, क्योंकि हमारे पास हमेशा पैसा रहता है. एंड देन ही सेज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वोटों के लिए नहीं. एंड देन ही सेज गोरखा रेजिमेंट नोपाली जी. सो नेपाली नोपाली मतलब द वे ही सेज नोपाली बट ही इज एक्चुअली सेइंग नेपाली जी मतलब गैंगस्टर्स. सबको गोरखा रेजिमेंट की हिस्ट्री पता है कि जो गोरखास थे वो कितना ब्रूटल थे फाइट में भाई. उनके रे बड़ी किसी अरे करे ना कंपेयर ना करी पसंद नहीं आया ते शेयर ना करी जिंदगी तेरी नाल खेड़दा कवि. सो मुझे इन चीजों की बहुत केयर है, किसी अरे गरे से मुझे कंपेयर मत करना जो कि मैं करता भी नहीं हूँ भाई. फॉर मी सिकंदर कालो इज हेयर एंड हिप हॉप इज हेयर. सो ही सेज कि मुझे किसी अरे गरे के साथ कंपेयर ना करना, पसंद नहीं आया तो शेयर मत करना, और जो तेरी लाइफ है उसके साथ जो पोएट है वो खेलता है, यानी जो तेरी फीलिंग्स हैं वो एक पोएट है उनको पोर्ट्रे करता है, अलग अलग चीजें यू नो अलग अलग इमोशंस को पोएट्री के थ्रू डिस्प्ले करता है. अरे सल्ला दे दे सजा किन्ने गवा काली जुबा पाली तू ना आंधी तूफान आ जाए हारी तू ना. सो सलाह कर और सजा दे, काली जुबान तो कभी मत पालना और चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाएं कभी हारना मत. प्यारी लाइन. जबान नु लगाम दे बड़ व्याकरण जे मन गया या तो मैं करूंगा आक्रमण. अपनी जुबान को लगाम दे और जाके व्याकरण पढ़. व्याकरण का मतलब ग्रामर, जाके ग्रामर पढ़ और अगर मेरा दिमाग हिल गया तो मैं सीधा करूंगा आक्रमण यानी आई एम गोना अटैक यू. वापस आया मौतों कहला अंडरटेकर सरेंडर दीजिए गल बन जावा चंद्रशेखर. मैं डेथ से वापिस आया हूँ
कॉल मी अंडरटेकर एंड अगर बात है सरेंडर की तो मैं बन जाऊं चंद्रशेखर। इट्स अ वेरी सिंपल लाइन कि अगर सरेंडर की बात है तो मैं चंद्रशेखर आजाद बन जाऊंगा, फ्रीडम फाइटर। उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार बीट चेंज हो जाती है और ये वाली जो बीट है इतनी क्लासिक बीट है भाई, सिकंदर कालो इज ऑल अबाउट क्लासिक, तो ये क्लासिक बीट है एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब ये मैंने बीट को सबसे पहली बार सुना था। वो ये हुआ कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने बोला कि भाई मर्द आदमी नाचता नहीं नचाता। सो ये गाना स्टार्ट होता है सनी देओल के एक वॉइस सैंपल के साथ और जहाँ पे शायद किसी इंटरव्यू में से ये क्लिप ले गई है जहाँ पे उनको कोई पूछता है कि सनी देओल को डांस के लिए उनके बहुत यू नो ट्रोल किया जाता है एंड देन ही से इसकी जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तब मैंने बोला था कि मर्द आदमी जो होता है वो नाचता नहीं है वो नचाता है। तो उस सैंपल से ये गाना स्टार्ट होता है यहाँ से। मेरा चेहरा प्यार करन दे लायक नहीं, धन्यवाद कर जस बात दा हिदायत लई। सो ही सेज कि मेरा चेहरा प्यार करने के लायक नहीं है बट फिर भी मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से तो उनके इमोशंस की वजह से है जो कनेक्टेड हैं। सो थैंक्स करो उन इमोशंस का। किन्ने सिगे कोल परो हम साए नहीं बिरयानी काटी आपा धोखे ज्यादा खाई की। सिंपल लाइन, बहुत प्यारी लाइन कि लोग तो बहुत थे पर साथ चलने वाले बहुत कम थे और हमने लाइफ में बिरयानी बहुत कम खाई है लेकिन धोखे ज्यादा खाए हैं। By that means कि क्या मैं सही हूँ अगर मैं लाइफ के जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचता हूँ। और नेक्स्ट बहुत ही सिंपल लाइन है जिसका मुझे मतलब नहीं समझ आया कि क्यों ये लाइन यूज करी गई है बट आई ट्राइड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। वो लाइन ऐसी है कि मलाई निकलू अगर गया कोफ्ता पलट। सो मलाई कोफ्ता एक डिश है, अगर मेन इंग्रेडिएंट अगर कोफ्ता ही बीच में से निकल गया तो फिर मलाई रह जाएगी नीचे, राइट? और इस चीज़ को तुम किसी भी सिनेरियो पे रिलेट कर सकते हो कि हिप हॉप क्या ही रह जाएगा अगर सिकंदर कालो उसमें से निकल गया। सी आई ट्राइड, मैंने कुछ तो मतलब बना ही दिया इस लाइन का। उम्र होगी मेरी मैं ना सोचता ठरक जद गल तेरी मेरी मैं सोचता फरक। एंड इसी गाने की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बताई थी इन विच ही सेज कि एक टाइम के बाद मुझे गुस्सा नहीं आता एंड नाउ ही सेज कि मेरी उम्र हो गई है ज्यादा, मैं ठरक नहीं सोचता हूं और अगर बात तेरी मेरी है तो मैं फरक सोचता हूं। वाओ ब्यूटीफुल डैम कि हम दोनों में कितना फर्क है भाई। मनादा की फायदा जे विच पेजे खोट जींदा मौका खोके नित ले जे मौत। दिल होने का फायदा ही क्या अगर उसमें खोट पड़ जाए, ठीक है? और जीने का जो मकसद है वो मौत किसी भी दिन आके तुमसे छीन के लेके जा सकती है। फालतू दी सेपरेशन क्यों, शुक्र कुरान दा बचाया मेनू डिप्रेशन तों। तो ये फालतू की सेपरेशन क्यों है, राइट? और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुरान का कि मुझे डिप्रेशन से बचाया। सनामा मेरे नास्ती कहानी आसी मैं लाई कदर पई आसमानी। तो बहुत प्यारी लाइन है, इसका मतलब है कि ही सेज कि मैं अपने नास की कहानी बताता हूँ। नास मतलब एंड होना, राइट? और कुड बी नास्तिक का एंड होना, उसकी कहानी बता रहा हूँ। और मैंने होप रखी थी एक और जो मेरी उसकी जो कद्र है, मेरी उस उम्मीद का जो रिजल्ट मुझे मिला वो आसमानी था। आसमानी मींस हेवन। जीब कटे गई दे अधूरी है ज़बानी, पढ़ लिख जाए छोटी लगे कुर्बानी। कि जीब पे कट लग गए हैं और जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है, अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी रह गई है। एंड देन उसके बाद एक लाइन बोलते हैं कि अगर तू पढ़ लिख जाए ना तो तुझे जो कुर्बानी है यानी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो तुझे बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। एंड आई हैव नो आइडिया क्योंकि इस एक लाइन का बहुत सारे मतलब बनते हैं कि वो किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो एक फ्रीडम फाइटर की कुर्बानी के बारे में बात कर रहे हैं या वो अपनी सेक्रीफाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ में करता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सो इट्स अप टू यू गाइस, जिसको जो भी लगे मेरे को कमेंट्स में बता देना। गेन बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल मीनिंग वाली लाइन कि जो एक अपाहिज है जो ठीक से चल भी नहीं पाता था एक टाइम पे, आज वो एवरेस्ट चल गया। तो एवरेस्ट चला गया यहाँ पे वो अपनी बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने रैप गेम स्टार्ट करी और आज वो एक बहुत हाई लेवल पे बैठे हैं इस रैप गेम में। एंड देन ही सेज मुंडा अलादीन है तो मेरा उड़ के आया तबरेज। तबरेज मतलब फ्लाइंग कारपेट। थार पे होते शहीदों के। बजती है थापी तो सिद्धू मूसेवाला जब भी अपने स्टेज या गानों पे या कुछ भी शोज करते थे सो ही यूज्ड टू डू अ थापी। और थापी होता है ये वाला जेस्टर, तुमने बहुत सारे लोगों को ये जेस्टर कॉपी करते हुए देखा होगा, स्पेशली आजकल बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं। कुछ लोग एक्चुअल में सिद्धू को ट्रिब्यूट देने के लिए ये जेस्टर कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसी हवा में फालतू में ये जेस्टर कॉपी कर रहे हैं। सो ही सेज कि जो लोग हैं वो जो थापी बजती है
वो जाट के गीतों पे बजती थी, और जो पित्तल है, पित्तल मतलब जो गोलियां हैं उनके जो दाग्स होते हैं ना, वो सिर्फ शहीदों की थार पे होते हैं। सो वो सिद्धू मूसेवाला को शहीद बोलते हैं इन लाइंस में। रब दसी योग प्रीत नहीं सी, होगी सी जो होनी पर बीत गई सी, खबर जद सुनी दिल चीर गई सी, सारे दिल ते माड़े पर मेरा वीर नहीं सी। एंड देन यू नो सिद्धू मूसेवाला यूज्ड टू से हर गाने में दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला, एंड देन ही सेज कि जब खबर आई थी वो दिल को चीर गई थी और सभी दिल के बुरे थे पर मेरा वीर नहीं सी, मतलब मेरा भाई नहीं था। मन मेरा पारा होया मेनू पैग लाउण दे, कल करू नफरत ते अज जेड़े चाउणगे। सिंपल लाइंस की मेरा दिल भारी है तो मेरे को पैग लगाने दे, और आज जो तुझे प्यार कर रहे हैं कल यही नफरत करेंगे, विच इज ट्रू। मां कहंदी मेनू दिन चंगे आउणगे, खेडे जो भी होली खुद वी रंगे जाउणगे। मेरी मम्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे, और जो भी होली खेल रहे हैं या जो रंगों से खेल रहे हैं ना, एक दिन खुद भी उनके रंग लगेगा, वो खुद भी रंगे जाएंगे। और ये लाइन हो सकता है कि वो बात कर रहे हैं रिवेंज के बारे में, जिन्होंने भी सिद्धू को शूट किया था। तो कोई बात नहीं, टाइम आएगा, एक दिन आएगा जब उनका रिवेंज भी लिया जाएगा। पंच नौ सेक्टर तो 11 फेस घेरी लाउना, मिले जे कोई आया चाचा उन्नू जाके पैरी पाउना। सो पंच नौ सेक्टर से 11 फेस तक मैं घेरी लगाता हूँ, और अगर कोई मिल जाए मेरे को बड़ा तो उसके मैं पैर छूता हूँ। शुभ कम नहीं देरी लाउना, कत छेड़ी चौना, लहर पावे तेज होए जट बेड़ी टपाउंदा। तो शुभ काम अगर मुझे करना हो तो उसमें देरी नहीं लगाता हूँ मैं, और तुम लोग ऐसी क्यों मेरे को फालतू में छेड़ रहे हो। एंड ही सेज कि लहर जितनी भी चाहे ज्यादा तेज हो, मैं जब बैठा हूँ तो मैं बेड़ी को पार ही लगाता हूँ, मतलब मैं अपना काम डन करता हूँ। And then he talk about his tradition, जो पंजाबी tradition है, जो पंजाबी culture है, he says कि पुराना है और वो number one है। So basically जो मेरा mic है वो विनायक है, वो किसी का भी end कर सकता है। जो मेरी language है, जो मेरे lyrics हैं, वो किसी का भी end कर सकते हैं। So basically my art, my mic is elephant in this room। मिले यानी सानू जेड़ा जख्म साडे लायक, बच के रखाने अगम चाले माया। हमें अभी तक हमारे लायक कोई नहीं मिला है, एंड बच के रहना अगम जाल है माया। आई गेस ही इज टॉकिंग अबाउट मनी है, कि एक पैसा है जो इट्स अ वेरी इल्यूजन, और ये एक तरीके का ट्रैप है। फोन साडे टैप फोन गल करी मिलकर, कदे होवा सिकर कदे होवा सिलचर। बहुत सिंपल लाइंस की बात, जो भी करनी है तो मेरे साथ मिलके करना, क्योंकि जो हमारे कॉल्स हैं वो टैप होती हैं, वो रिकॉर्ड होती हैं। एंड देन कभी मैं होता हूँ सिकर में, जो कि एक सिटी है राजस्थान में, और कभी मैं होता हूँ सिलचर में। कल्ले रहा नहीं मैं अपने पन ले, मैं मेरे गलत फैसले आंदा कर जाई। He says कि मैं अकेला रहता हूँ, पर मैं इसलिए अकेला नहीं रहता हूँ कि मुझे खुद को, लोग बोलते हैं ना खुद को स्पेस देनी है या अपनेपन के लिए, मैं इसलिए अकेला रहता हूँ क्योंकि मैं अपने गलत डिसीजंस का कर्जई हूँ। बेसिकली कि मैंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से अब मैं चाह के भी किसी को साथ नहीं रख सकता। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गाना पूरा ख़त्म हो जाता है, और एंड में एक बोनस वर्ड्स बोल सकते हैं, ऐसा करके कुछ एंड में आता है। Again, simple line, God forgive me, he is asking forgiveness from God, that ki unhone life mein kafi sin kiye hain over and over again. 23 Jimmy Jordan, tere jaye yaad rakhi main ha warden, lungs meri rap karan vajda hai organ, child free Lea Morgans. 23 jaise Jordan hai, I guess he's talking about the classic shoes, Air Jordans 23, and then he says ki jab tu north side mein aayega, याद रखना मैं हूँ वार्डन उस जगह का। लंग्स मेरी रैप करती हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई ऑर्गन बज रही है, एंड एक्चुअली मैं ऑर्गन एंड ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। सो ही सेज कि बजती हैं ऑर्गन्स, टाइल फ्री लिया मॉर्गन। सो मॉर्गन फ्रीमैन, यू नो एक्टर, वेरी फेमस एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन, एंड देन स्टाइल फ्री लिया मॉर्गन्स, सो इट्स लाइक अ डबल एंटेंड्रा। So it is how it is. I know I have missed few lines जिनके meanings शायद मैंने गलत बता दिए होंगे, क्योंकि I'm translating by myself, तो मेरा opinion है, ये मेरी translation है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कहीं पर गलत करी है तो you can correct me in comment section, but I always wanted to make something like इसी तरह की कोई video मैं बनाना चाहता था हमेशा से, so I did it for the first time, fingers crossed, let's see how you guys react to this video. So that's it for today. Bye bye. Take care. Peace.